काली शर्ट और माथे पर एक अलग तरह का तिलक और आंखों में सूरमा और साथ ही कंधे पर एक काला गमछा, ये पहचान है दुर्लभ कश्यप गैंग की। आखिर दुर्लभ कश्यप मरने के बाद भी कैसे जिंदा है, जानेंगे इस वीडियो में। दुर्लभ कश्यप की अगर हम बात करें तो ये उज्जैन का महज 20 वर्ष का युवक जो गैंगस्टर बन जाता है, क्या है पूरी कहानी और क्या हुआ था जब इसकी मौत हुई थी और कैसे मौत हुई थी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दुर्लभ कश्यप की बात करें तो सोशल मीडिया पर ये लगातार दिन ब दिन ग्रो कर रहा था और इसके जो अधिकतर फैन फॉलोइंग्स थी वो टीनेजर्स ही थे। टीनेजर्स इसके वीडियो देखा करते थे और वीडियो वायरल्स हो जाते थे। दुर्लभ कश्यप ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में लिख रखा था, कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी। साथ ही अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसमें ये भी लिखा था कि किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए संपर्क करें। उसकी बदमाशी के स्टाइल की, जैसा कि मैंने बताया कि सभी टीनेजर्स क्या थे, फॉलोअर्स थे। सचिन अतुलकर जी जब एक बार दुर्लभ कश्यप से पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दुर्लभ कश्यप तू जेल में ही सेफ है क्योंकि तुमने उम्र से ज़्यादा दुश्मनी पाल ली है, बाहर निकलेगा तो कोई तुम्हें मार देगा। और हुआ भी यही था। दुर्लभ कश्यप होता यह है कि कोविड-19 की जब लगता है कोरोना काल में जेल से छूट जाता है, सजा 2 साल तक जेल में रहता है, उसके बाद ये इंदौर चला जाता है। लेकिन लॉकडाउन लगता है कोविड-19 के कारण, तो वहाँ से इंदौर से ये शिफ्ट हो जाता है अपनी माता के पास, एक बार फिर से आ जाता है कोविड-19 क्योंकि लॉकडाउन लगा रहता है इंदौर में, तो ये उज्जैन में ही रहता है। अब जो दुर्लभ कश्यप की मौत का दिन था यानी 6 सितंबर को होता क्या है, 6 सितंबर को दुर्लभ कश्यप अपनी माँ के साथ खाना खाता है, उसके बाद रात को उसके दोस्तों का फ़ोन आता है कि आओ चाय पीते हैं कहीं, तो ये चाय पीने जाते हैं। चाय पीने कहाँ जाते हैं, हैलावाड़ी जो एरिया है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहीं पर चूँकि और जो चाय की दुकानें थी वो सभी बंद थी, तो ये लोग वहाँ जाते हैं हैलावाड़ी चाय पीने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक शहनवाज नाम के लड़के से इन दोनों की झगड़ा हो जाता है वहीं चाय की दुकान पर। तब शहनवाज के और साथी आते हैं, शहनवाज गैंग के और साथी आते हैं और दुर्लभ कश्यप, क्योंकि फायरिंग भी वहाँ पर हो जाती है एक राउंड, फिर वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे शहनवाज के साथी आते हैं और दुर्लभ कश्यप के पेट पर, पीठ पर, गले में चाकुओं से 34 बार करते हैं और वहीं पर दुर्लभ कश्यप की मौत हो जाती है। और सुबह जब उसका पूरी बॉडी मिलती है, पुलिस देखती है तो पूरी बॉडी खून से सनी हुई मिलती है। तो इस तरीके से जो दुर्लभ कश्यप है उसकी मौत हो जाती है। पूरे सोशल मीडिया पर उसको लेकर जो टीनेजर्स हैं सभी उसके वीडियो शेयर करते हैं, देखते हैं, और इस घटना के बाद पूरे सोशल मीडिया पर शोक का मातम छा जाता है। लेकिन एक बार फिर से दुर्लभ कश्यप जिंदा हुआ। जिंदा क्यों हुआ, होता यह है कि मध्य प्रदेश में अभी पिछले कुछ दिन पहले हुआ यह था कि एक जो लड़का था वो क्या करता था कि जो जितने भी गार्ड होते थे जो सो रहे होते थे ड्यूटी के दौरान उनको मार दिया करता था। तो उसने ऐसी लगभग 4-5 गार्ड को मार दिया, हालांकि वो पकड़ा गया भोपाल में, फिर उसे पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की गई। तो वो कहता था कि जिस तरीके से दुर्लभ कश्यप फेमस था, क्योंकि वो दुर्लभ कश्यप के वीडियोस देखा करता था, तो वो कह रहा था कि दुर्लभ कश्यप की जैसा मुझे फेमस होना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो दुर्लभ कश्यप की जो आइडियोलॉजी है आज भी जिंदा है, इंटरनेट ने उसे जिंदा रखा है। आपको क्या लगता है कि आखिर दुर्लभ कश्यप को गैंगस्टर बनने से हम लोग कैसे रोक सकते थे, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन और ऐसे ही और गैंगस्टर की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।